इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 21वीं सदी को बताया एशिया की सदी, पूर्वी एशिया सम्मेलन में भी लिया हिस्सा। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी के पीएम को लिखे पत्र का दिया जवाब। संसद के कामकाज का राजनीतिकरण का लगाया आरोप, कहा राजनीति के लिए ना करें संसद का इस्तेमाल। एंड अननेसेसरली मेकिंग ए इश्यू आउट ऑफ ए नॉन इश्यू टू डू द पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइज द इश्यू इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। G20 सम्मेलन से पहले लगातार 3 दिन नॉनस्टॉप काम में लगे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसियान समिट के लिए रवाना होने से पहले मंत्रियों के साथ की बैठक। 8 सितंबर को इंडोनेशिया से लौटकर बाइडेन समेत 3 दिग्गज नेताओं से भी करेंगे मीटिंग। G20 सम्मेलन के लिए मेहमानों के भारत आने का सिलसिला शुरू। दिल्ली पहुंचे मॉरिशस के पीएम सम्मेलन में भाग लेने के लिए। आज देर रात अमेरिका से निकलेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन, कल सुबह पहुंचेंगे दिल्ली। अखंड भारत पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया बड़ा बयान, कहा जो देश भारत से अलग हो गए उन्हें लगता है कि उनसे गलती हो गई है। समाज में असंता रहने तक आरक्षण को बताया जरूरी। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। चीन के राजदूत के खिलाफ बोलने पर काठमांडू में नेपाल के पूर्व मंत्री महेंद्र यादव पर जानलेवा हमला। हमलावर ने धारदार हथियार से गर्दन पर किया वार, बुरी तरह घायल हुए। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा से द्वारका तक मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़। मथुरा की शोभा यात्रा में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी जन्माष्टमी की बधाई। यूक्रेन से जंग में रूस का बड़ा हमला। यूक्रेन ने हमले में 17 लोगों की मौत का दावा किया, कहा रूस के हमले का जवाब देंगे। और News8 in India लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए फिर एक बार News8 in India पर ही जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। News8 in India, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।